आर्नोल्ड कहते हैं कि ये 7 टूल्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में यूज किए हैं, जिससे मैं एक गांव के मिडिल क्लास लड़के से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया बना। इसके बाद इन्हीं 7 टूल्स को यूज करके मैं कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड एक्टिंग में गया और वहां पर एक्शन हीरो बन गया। सबको लग रहा था कि मैं एक्शन हीरो इसलिए बना हूं क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डर हूं, लेकिन उनको नहीं पता था ये सब इन 7 टूल्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि यही 7 टूल्स मैंने कॉमेडी में भी अप्लाई की और मैं एक कॉमेडियन हीरो बन गया। इन्हीं टूल्स को मैंने पॉलिटिक्स में अप्लाई किया और मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। ये 7 टूल्स मेरी लाइफ का वर्क है, जिसे मैंने अपनी बुक में लिखा है, ताकि आप भी इन 7 टूल्स की मदद से अपनी लाइफ में जो चाहे उसे अचीव कर सकते हो। तो इन 7 टूल्स में सबसे पहला टूल आता है, हैव अ क्लियर विजन। आर्नोल्ड कहते हैं कि जब मुझे बॉडी बिल्डिंग से प्यार हुआ तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मेरे लिए सिर्फ एक इच्छा थी। मैं एग्जैक्टली देख सकता था कि मैं स्टेज पर खड़ा हूँ नंबर 1 पोजीशन पर और नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन पर मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं और वो मुझे देखकर जेलिसी फील कर रहे हैं और साथ में वो बहुत इंस्पायर्ड भी है कि वाह आर्नोल्ड ने क्या बॉडी बनाई है। मैं देख सकता था कि मेरे हाथ में ट्रॉफी है और मैं देख सकता था कि सामने जजेस खड़े होके मेरे लिए तालियां मार रहे हैं और सारे लोग वहां पर आर्नोल्ड 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 चिल्ला रहे हैं। ये कोई एक इच्छा नहीं थी, मेरे लिए ये एक मेमोरी थी जो फ्यूचर में मेरे साथ होने ही वाली थी। इन शॉर्ट टूल नंबर 1 कहता है कि अगर हम क्लियरली अपने फ्यूचर को देख सकते हैं एज अ मेमोरी तो हमें वो गोल मिलेगा ही मिलेगा। अब पॉइंट ये आता है कि हम विजन बनाए कैसे। ये तो क्लियर है कि रिएक्शन मोड में हम कभी भी एक विजन नहीं बना सकते। अगर हमें कोई कुछ कह रहा है, हम वो काम कर रहे हैं, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, उससे हम विजन नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हमें टाइम और स्पेस चाहिए। आर्नोल्ड कहते हैं कि मुझे अपनी पहली विजन 15 साल में ही मिल गई थी और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि वो एक छोटे गांव में रहते थे जहाँ पर सड़कें गंदी थी, उनके घर में पानी नहीं था और उनके पास बहुत ज्यादा टाइम था डे ड्रीमिंग करने के लिए। एक बार स्कूल की मैगजीन में उन्होंने रे पार्क की फोटो देखी और उन्हें लगा कि यार ये कितना मस्कुलर इंसान है, लेकिन जब उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा तो उनको पता चला कि ये तो मेरी तरह एक गांव से है। इसका मतलब है कि मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज अचीव कर सकता हूँ। जब आर्नोल्ड ने अपनी लाइफ को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि उनका क्लियर विजन तब बनता है जब वो वॉक कर रहे होते हैं। यही चीज उन्होंने बेथोवन में भी नोटिस की थी कि जब भी वो एक नया म्यूजिक पीस बनाना चाहते थे तो वो कुछ कागज लेते, एक पेंसिल लेते और अपने घर के पास जो लेक है वहाँ पर वॉक करने चले जाते। इवन 2014 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये प्रूव कर चुकी है। उन्होंने काफी सारे लोगों को लिया, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन दोनों ग्रुप्स को उन्होंने क्रिएटिव टास्क दिए। पहलों को बोला कि आप डायरेक्टली इस क्रिएटिव टास्क को करने लग जाओ और दूसरे ग्रुप को कहा कि आप वॉक करते हुए इस क्रिएटिव टास्क के बारे में सोचो। जब दोनों के रिजल्ट एनालाइज करे गए, उनको पता था कि जो ग्रुप बी है जिनको वॉक करने के लिए कहा था वो ज्यादा क्रिएटिव थे एज कम्पेयर टू ग्रुप ए। इन शॉर्ट टूल नंबर 1 ये है कि बुक्स पढ़ो, जिम जाओ, वॉक करो, कुछ भी करो, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमारी विजन्स कहाँ पर बनती हैं, लेकिन हमें अकेलापन चाहिए। उस चीज को फॉलो करो और सबसे पहले एक क्लियर एग्जैक्ट विजन तैयार करो कि आपको करना क्या है। सेकंड टूल आता है कि नेवर थिंक स्मॉल। 1987 तक आर्नोल्ड कहते हैं कि मैं 283 लोगों को मार चुका था, ऑब्वियसली रियलिटी में नहीं, मूवी में, यानी वो एक बहुत बड़े एक्शन स्टार बन चुके थे। वो एज एन एक्शन हीरो इतने फेमस हो गए थे कि मूवी के टाइटल के ऊपर भी उनका नाम लिखा होता था, श्वार्ज़नेगर, जो कि उन्होंने एग्जैक्टली अपने विजन में देखा भी था। एनीवेज, जब भी उनका कोई दोस्त या जर्नलिस्ट उनसे मिलने आता था, उनसे एक ही सवाल पूछता था कि अब आगे आर्नोल्ड के लिए क्या है। आर्नोल्ड कहते हैं कि इसका एक ही मतलब था, वो सब लोग सोच रहे थे कि एक ह्यूमन एक जन्म में जितना भी मैक्सिमम कर सकता है वो मैं सब अचीव कर चुका हूं। अब मैं आगे और कर ही क्या लूंगा, लेकिन वो लोग बहुत ही छोटा सोच रहे थे। मेरे दिमाग में मैं तो अभी सिर्फ चीजें स्टार्ट ही कर रहा था। लोगों को लगता था कि ये मस्कुलर है, बॉडी बिल्डर है, इसलिए एक्शन हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि मसल्स के अलावा भी उनके पास बहुत टैलेंट है। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मैं एक कॉमेडियन बनना चाहता हूं। सब लोगों ने बोला तू पागल हो गया है, एक साल का तू $20 million कमा रहा है, तू उस अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकता है, कोई भी इंसान तेरी कॉमेडियन मूवी नहीं देखना चाहे। लेकिन आर्नोल्ड कुछ डिफरेंट सोच रहे थे। आर्नोल्ड कॉमेडी प्रोड्यूसर इवान रिटमैन से मिले और उन्हें बताया कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहते हैं। आर्नोल्ड के पैशन को देख के इवान समझ गए थे कि हाँ इनके पास वो टैलेंट है, लेकिन कोई भी मूवी के लिए उन्हें पैसे देने के लिए रेडी नहीं था। आर्नोल्ड और इवान ने कुछ महीने मिलकर एक कॉमेडी स्क्रिप्ट बनाई और एक प्रोड्यूसर के पास गए और उनसे कहा कि आर्नोल्ड इसके लिए कोई फीस शुरू में चार्ज नहीं करेंगे, अगर ये मूवी चलती है और प्रॉफिट कमाती है तभी आर्नोल्ड 37.5% लेंगे प्रॉफिट का। हर इंसान इसमें खुश हो गया कि ठीक है, अगर मूवी फ्लॉप होगी तो कम से कम एक्टर की फीस तो बची जाएगी। इस मूवी का नाम था ट्विंस और ये बॉक्स ऑफिस में बहुत ही फेमस हुई और आर्नोल्ड ने इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाए। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस कॉमेडी मूवी से जस्ट पहले आर्नोल्ड ने 2 मूवीज करी थी, प्रीडेटर और कमांडो, जिसमें वो फुल ऑन एक्शन मूवी स्टार थे और इतने बड़े चेंज के बाद भी पब्लिक ने इनका काम बहुत पसंद किया। नेक्स्ट मेंटल टूल कहता है कि वर्किंग योर एस ऑफ। एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्वे ऐसे पहले 2 इंसान थे जो माउंट एवरेस्ट तक गए और इसके लिए उन्होंने 2 महीने तक ट्रैकिंग करी। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि ट्रैकिंग करने के बजाय वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठते और माउंट एवरेस्ट में उन्हें वो हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर देता, तो क्या उन्हें मजा आता, क्या आपको मजा आता। इन शॉर्ट जो मेहनत है वो सबको पसंद है।
आर्नोल्ड कहते हैं कि 15 साल की उम्र से मैं हर रोज जिम में 5 घंटे प्रैक्टिस करता था, लेकिन जैसे ही वो अमेरिका शिफ्ट हुए उन्होंने अपने 5 घंटे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, सुबह 2.5 घंटे, शाम को 2.5 घंटे। और इसका सिर्फ एक रीजन था, उनके साथ जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे वो कोई भी 5 घंटे उनकी तरह मेहनत करने को तैयार नहीं था, और क्योंकि उन्हें ज्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए स्पॉटर की यानी साथ में एक दोस्त की जरूरत थी, इसलिए वो सुबह 2.5 घंटे फ्रैंको के साथ ट्रेन करते और शाम को 2.5 घंटा एड कॉर्नी और डेव ड्रेपर के साथ वर्कआउट करते। और सिर्फ यही रीजन है कि आर्नोल्ड की मसल की डेफिनेशन बाकी लोगों के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी, और आर्नोल्ड को मेहनत करने की इतनी आदत हो गई थी कि वो जो बॉडी बिल्डिंग में 5 घंटे देते थे, एक्टिंग के टाइम पर भी वो 5 घंटे तक स्क्रिप्ट पढ़ते रहते, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, एक्टर से बात करते, डायरेक्टर से उनका काम सीखते। और इसीलिए उनको ये पता चलने लग गया था कि लोगों को क्या पसंद है, किस टाइप की स्क्रिप्ट है जो लोगों को पसंद आए, और उसी टाइप की स्क्रिप्ट पर वो मूवी बनाते। अगर आपने टर्मिनेटर 2 मूवी देखी है तो उसमें एक ये शॉट है जिसमें वो शॉट गन को फ्लिप करते हैं। ये सीन मूवी में सिर्फ 2 सेकंड के लिए है, और इस 2 सेकंड के सीन के लिए उन्होंने काफी हफ्तों तक प्रैक्टिस करी थी। इतनी प्रैक्टिस करी थी कि उनकी उंगलियों से खून निकलने लग गया था। सेम मेहनत उन्होंने कॉनन द बारबेरियन मूवी के लिए भी करी थी। वहां पर उनका एक शॉट था जिसमें वो एक मरी हुई चील को उठाते और उसको खाते, जैसे ही वो शॉट खत्म हो जाता बार बार अपने मुंह को अल्कोहल से धोते। उन्होंने सीन को बहुत बार किया जब भी उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। इसी मूवी में उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ जिसके कारण उनकी पीठ में 40 स्टिचेस लगे। अगेन उन्होंने इसके लिए कंप्लेन नहीं किया। He was ready to work hard. सेम रूल हम पर भी अप्लाई होता है। हम चाहे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, फार्मर बनना चाहते हो, ओलंपिक में जाना चाहते हो, या फिर सिंपल वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, पर्पस यही है कि हम प्रिपेयर्ड हो जिस मोमेंट पर अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आए, उस वक्त पर हम रेडी हो परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट रूल कहता है सेल सेल सेल। आर्नोल्ड जब अमेरिका आए तो वो बहुत ही शॉक में थे। वहां पर कोई भी बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली नहीं लेता था, इसे एज अ स्पोर्ट कंसिडर नहीं किया जाता था। बस कुछ ही लोग थे जिनके लिए मैगजीन छपती थी, उस मैगजीन को पढ़ते थे और बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते थे। जब कोई भी आर्नोल्ड को किसी दुकान में मिलता था तो वो उनको कहता था, वाओ आपकी जो मसल्स है वो कितनी अमेजिंग है, क्या आप एक फुटबॉलर हो? इस पर आर्नोल्ड कहते, नहीं कुछ और गेस कीजिए। तो वो कहते, अच्छा आप जरूर बाउंसर होंगे या फिर एक रेसलर होंगे। लेकिन कोई भी उन्हें बॉडी बिल्डर नहीं कहता था। जब आर्नोल्ड ने इसका रीजन जाना तो उन्हें पता चला कि कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर या टीवी चैनल बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात ही नहीं करता था। अब अगर कोई मैगजीन में बॉडी बिल्डिंग के बारे में छपता भी तो वो उन्हें फ्रीक कहकर बुलाते, यानी सनकी लोग। जब बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन होते और उन्हें न्यूज़पेपर में छापा जाता तो उसकी हेडलाइन कुछ ऐसी होती थी कि कुछ लोग अपने शरीर में तेल लगा के मसल्स दिखा रहे। कोई भी उनके सालों की मेहनत के बारे में बात ही नहीं करता था। जब उन्होंने अपने साथ वाले गोल्ड जिम के बाकी बॉडी बिल्डर्स को कहा कि यार ये टीवी जर्नलिस्ट हमारे बारे में ऐसा क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे टीवी जर्नलिस्ट हमसे चिड़े हुए हैं, इनकी परवाह मत करो, तुम इन्हें इग्नोर करो। आर्नोल्ड ने कहा, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम इनसे बात करते हैं, हम इनका जो नैरेटिव है वो चेंज करते हैं। लेकिन सब ने इसके लिए मना कर दिया। आर्नोल्ड ने अलग से एक बंदा हायर किया ताकि वो उनकी जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग करवा सके। उन्होंने जर्नलिस्ट को बहुत से इंटरव्यूज दिए, बॉडी बिल्डिंग के बारे में एजुकेट किया, अपनी मेहनत के बारे में बताया, न्यूट्रिशन के बारे में बताया, जिससे जो बॉडी बिल्डिंग है उसे भी धीरे धीरे एज अ स्पोर्ट कंसीडर किया जाने लगा। आर्नोल्ड कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करते करते मेरा एक्टर बनने का सपना था, लेकिन अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में जीत भी जाता हूं और बॉडी बिल्डिंग एज अ होल उसको कोई अप्रिशिएट कर ही नहीं रहा, तो मेरा जीतने का क्या फायदा? इसलिए मैं जानता था कि मुझे पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में एक अच्छा नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। इसलिए आर्नोल्ड कहते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, एक फार्मर हो, एक सिंपल फैमिली मैन भी हो, तो भी आपको हमेशा अपने आइडियाज को दूसरों को सेल करना पड़ेगा। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आइडियाज को लोगों के सामने लाएं और किसी का वेट ना करें। नेक्स्ट रूल आता है शिफ्ट गियर्स। मार्च 2020 में आर्नोल्ड टीवी देख रहे थे और वहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे थे कि सबको चौकन्ना रहना चाहिए और मास्क पहन के रहना चाहिए। जब आर्नोल्ड ने अपने लोकल हॉस्पिटल में कॉल किया तो उनको पता चला कि वहां पर किसी के पास मास्क ही नहीं है। फिर उन्होंने बाकी हॉस्पिटल्स में कॉल किया, वहां पर भी उनको पता चला कि यही हाल है। जो डॉक्टर्स हैं वो दिन में मास्क पहनते हैं, घर जाते हैं उन मास्क को धोते हैं और उन्हीं मास्क को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आर्नोल्ड हैरान थे क्योंकि 2006 में जब वो कैलिफोर्निया के गवर्नर थे तो वहां पर उन्होंने $200 मिलियन सिर्फ इसी टाइप के पैंडेमिक के लिए रखे हुए थे, जिसे वो कहते थे सर्ज कैपेसिटी इनिशिएटिव। लेकिन उनके बाद जो गवर्नर आए उन्हें लगा कि ऐसा पैंडेमिक कभी नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने उस फंड को काट दिया, जिसकी वजह से अब किसी भी हॉस्पिटल में मास्क नहीं थे। अमेरिका पॉपुलेशन के टर्म में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है और उसका ये हाल हो रहा था। वो ये भी जानते थे कि जितने भी सरकारी ऑफिसर है वो डायरेक्टली अलीबाबा जैसी किसी प्राइवेट कंपनी से बात नहीं करेंगे मास्क लाने के लिए, और इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आर्नोल्ड ने खुद के $1 मिलियन यानी आज के मुताबिक $8 करोड़ रुपए लिए
और फिर उन 8 करोड़ को यूज करके प्राइवेट कंपनी से मास्क मंगाए और उन्हें हॉस्पिटल्स में दिया। एंड जस्ट रिमेम्बर, उस टाइम वो कैलिफोर्निया के गवर्नर नहीं थे, उन्होंने अपना पर्सनल पैसा इसमें खर्च किया था। आर्नोल्ड कहते हैं कि एक बार मैं अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहा था, जहाँ पर टीवी में बहुत सारे गरीब लोग दिखाए जा रहे थे। इस पर मेरे लड़के ने कहा, डैड ये देखो इन बेचारे गरीब लोगों का क्या होगा, गवर्नमेंट को कुछ इनके लिए करना चाहिए। जिस पर आर्नोल्ड कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि गवर्नमेंट को छोड़ो, तू क्या इनके लिए कर रहा है। मैं इनके पास गया था और मैंने उन्हें अपने पैसों से 25 घर बना के दिए, तू क्यों कुछ नहीं करता। वैसे ही एक बार उन्हें लॉस एंजलिस की सड़क में गड्ढे दिखाई दिए, उन्होंने किसी को कंप्लेन नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद ही उस गड्ढों को भर दिया। आर्नोल्ड कहते हैं कि बहुत बार मुझे लोग मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास आप जितने पैसे नहीं है हम लोगों की मदद नहीं कर सकते। इस पर आर्नोल्ड उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे मत दो, अगर तुम्हें पढ़ाना आता है तो जाओ कभी किसी बच्चे को जाके एक चैप्टर पढ़ा दो, अगर तुम्हें गिटार आता है म्यूजिक आता है तो उसे जाके गिटार सिखा दो, कुछ भी करो बट बी यूजफुल। और ये बी यूजफुल का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने डैड से सीखा था। जब शुरू में आर्नोल्ड अपनी मसल्स पर काम कर रहे थे तो उनके डैड को बहुत गुस्सा आता था। वो कहते थे, आर्नोल्ड बी यूजफुल, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा, अपनी मसल्स बना रहा है, जहाँ सामने वाली औरत जो है पड़ोसन है वो बहुत बूढ़ी हो गई है, उनके लिए जाके सब्जियां ले या उनके लिए लकड़ियां काट दे तो तभी स्ट्रांग बन सकता है। और ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में हमेशा से रहा। नेक्स्ट टूल आता है शट योर माउथ एंड ओपन योर माइंड। आर्नोल्ड कहते हैं कि जब मैं टीनेजर था और सबको कहता था कि मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तो सब मुझ पर हंस देते थे, लेकिन एक इंसान था जो मुझ पर नहीं हंसा। उसका नाम था फ्रेडी गस्टेन। फ्रेडी आर्नोल्ड के फ्रेंड के पापा थे, जो कि असली में तो ज्यू थे लेकिन हिटलर के डर से उन्होंने खुद को कैथलिक कहा और जर्मनी से भाग गए और बाद में हिटलर के खिलाफ आंदोलन भी किया। फ्रेडी काफी सारे बच्चों को इकट्ठा करते थे और उन्हें बाहर ले जाते थे जंगलों में, ताकि वो उन्हें कॉन्फिडेंट बना पाए और सेल्फ डिपेंडेंट बना पाए। इन बच्चों में आर्नोल्ड भी थे। वहां पर जाकर फ्रेडी बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में लेक्चर देते, कभी स्पोर्ट्स के बारे में, कभी जानवरों के बारे में। एक दिन फ्रेडी ने आर्नोल्ड को बुलाया और आर्नोल्ड को सबसे बड़ा लेसन दिया। फ्रेडी ने कहा, देखो आर्नोल्ड, लाइफ में तुम सबसे ज्यादा अपने स्कूल से नहीं सीखोगे बल्कि अपने आसपास की दुनिया से, कॉमन लोगों से सीखोगे, और अगर तुम उनसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा और दिमाग खोलना पड़ेगा। आर्नोल्ड कहते हैं कि इसे मैंने अपनी जिंदगी का मंत्रा बना लिया, और वैसे तो मैंने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है लेकिन मैंने दुनिया को ही अपना क्लासरूम बना लिया। जैसे कि एक बार विंस बहुत ही छोटे डंबल्स लेके ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में, जिस पर सारे बॉडी बिल्डर्स उन पे हंसने लगे, लेकिन आर्नोल्ड विंस के पास गए और उनसे उस एक्सरसाइज के फायदे पूछे और अगले दिन उसी एक्सरसाइज के 40 सेट करे, जिसकी वजह से उन्हें ट्राइसेप्स में बहुत फायदा आया। 1968 में केस हुआ था, आर्नोल्ड फ्रैंक जेन नाम के बॉडी बिल्डर से हार गए थे क्योंकि वो सेकंड आए थे। आर्नोल्ड कहते हैं कि इसके बाद मुझे बहुत रोना आया, मैं अपने रूम में गया और मैं चिल्लाने लग गया कि ये सब अमेरिकन की वजह से है, मैं एक अमेरिकन नहीं हूँ और जो जज थे वो सारे अमेरिकन थे, इसलिए उन्होंने अपने अमेरिकन बंदे को जिताया है। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि जब भी वो ट्रैवल कर रहे होते थे एयरपोर्ट में रुक कर, वो बहुत ही अनहेल्दी फूड खाते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वो डेफिनेशन नहीं थी जो फ्रैंक जेन के केस में थी। फिर उन्हें फ्रेडी का लेसन याद आया और उन्होंने फ्रैंक को कॉल किया। उन्होंने फ्रैंक को कहा, फ्रैंक क्या तुम मेरे साथ एक महीने तक रह सकते हो और मुझे ट्रेन कर सकते हो कि तुम कैसे ट्रेनिंग करते हो। और सरप्राइजिंगली फ्रैंक इस बात के लिए मान गया और फ्रैंक ने वहां पर एक महीने तक आर्नोल्ड को ट्रेन किया। आर्नोल्ड कहते हैं कि मैंने उसी के स्किल सेट को यूज करके उनसे बेटर परफॉर्म किया और उसके बाद मैं इनसे कभी भी नहीं हारा। इन शॉर्ट, शट योर माउथ एंड ओपन योर माइंड। नेक्स्ट टूल कहता है ब्रेक योर मिरर्स। आर्नोल्ड कहते हैं कि तुम मुझे आर्नोली बुलाओ, श्वेजी बुलाओ या टर्मिनेटरी बुलाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कभी भी तुम मुझे सेल्फ मेड मैन मत बुलाना, क्योंकि सेल्फ मेड मैन जैसी कोई चीज नहीं होती। आर्नोल्ड इस चीज को लेकर इतने सीरियस है कि उन्होंने पूरा एक चैप्टर उन लोगों का नाम लेके लिखा है जिन्होंने उनकी मदद करी थी। जिम में बात करें तो उनका सबसे अच्छा वर्कआउट अपने दोस्तों के साथ होता था। वो सब एक दूसरे को पुश करते थे ये जानते हुए कि यही लोग उनके कॉम्पिटिटर होंगे स्टेज पर, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते थे। आर्नोल्ड कहते हैं कि सेल्फ मेड मैन से ज्यादातर लोगों का मतलब होता है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, लेकिन एक्चुअल में सेल्फ मेड मैन जैसी कोई चीज नहीं होती। आर्नोल्ड कहते हैं कि फ्रैंक जेन ने मुझे अपनी बॉडी की डेफिनेशन पर काम करना सिखाया। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने एक्टिंग में मेरी मदद करी। मेरे डैड नाजी पार्टी में थे, उसके बावजूद दो ज्यूज मुझे अमेरिका लेके आए। अमेरिका में आने के बाद गोल्ड जिम के मालिक ने उन्हें फ्री में वहाँ बॉडी बिल्डिंग करने को दी, जबकि वो अपने दोस्तों से भी पैसे लेता था। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में मेंटर किया। मोहम्मद अली ने सिखाया कि कैसे कभी हार ना मानो और मेहनत करते रहो। आर्नोल्ड कहते हैं कि सिर्फ जो डायरेक्ट एथलेटिक कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, क्रिकेट एक्सेट्रा, वो जीरो सम गेम है। इसके अलावा बाकी कोई भी जीरो सम गेम नहीं है। बाकी दुनिया की हर एक गेम में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। लाइफ एक विन विन गेम है, इसलिए ब्रेक योर मिरर्स, यानी सिर्फ अपने बारे में ना सोचो। कोई भी सेल्फ मेड मैन नहीं है, हम भी नहीं। ओके, तो आर्नोल्ड के 7 मेंटल टूल्स हैं, जिसका अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप मर्सिडीज बेंच की स्टोरी देखना चाहते हैं कि कैसे हिटलर ने मर्सिडीज बेंच बनाने में उनकी हेल्प करी, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद।